दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर पिताजी की मृत्यु हो जाती है और अगर उनका कोई अवैध संतान है तो उनके मृत्यु के बाद उनके अवैध संतान का उनके संपत्ति पर हक बनता है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप जान पाएंगे। दोस्तों कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि अवैध संतान का पिताजी के संपत्ति पर हक नहीं होता है, लेकिन ऐसा मानना बिल्कुल ही गलत है। किसी भी संतान का, चाहे उनका वैध संतान हो या फिर अवैध संतान हो, दोनों तरह के संतान का पिताजी के संपत्ति पर बराबर हक होता है। जितना पहली पत्नी के बेटे का हक होगा, उतना ही दूसरे पत्नी के बेटे का भी हक होगा। तो अगर पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो फिर मृत्यु के बाद भी अवैध संतान का ही जितना कि वैध संतान का हक बनता है, उतना ही अवैध संतान का भी हक बनेगा। कोई भी अवैध संतान के हक को मार नहीं सकता है, उसे प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता है। उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि अधिकार पहले पत्नी के बेटे का है। दोनों का पिताजी के संपत्ति पर बराबर अधिकार है, लेकिन हाँ, जो दूसरी पत्नी है उसका पति के संपत्ति पर अधिकार नहीं बनता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना तो इलीगल है, तो फिर उस शादी का कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जो अवैध संतान होगा उसका वैल्यू है, उसका उस प्रॉपर्टी पर हक बनेगा। बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी करना इलीगल है, आईपीसी के सेक्शन 494 में यह एक अपराध है। तो यहाँ पर दूसरी शादी का कोई महत्व ही नहीं हुआ, इसलिए दूसरी पत्नी का हक नहीं बनेगा, लेकिन अवैध संतान का हक बनेगा। अब यहाँ पर पिताजी को जो संपत्ति है दो तरीकों से हो सकती है। पहला एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति, और दूसरा एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी जो अपने उन्होंने अपने कमाई से, अपने बिजनेस से या फिर अपने सैलरी से, कैसे भी खुद से अर्जित किया हो। अगर वे मरने से पहले वसीयत बनाते हैं तो जिसके नाम से वसीयत बनाएंगे उनके एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, उनके खुद से कमाई हुई संपत्ति में, उसी का हक होगा। लेकिन जो उनका पैतृक संपत्ति होगा उसमें दोनों संतानों का, वैध और अवैध दोनों का बराबर अधिकार होगा। और अगर वे मरने से पहले अपने कमाई हुई संपत्ति में वसीयत नहीं बनाते हैं तो फिर उनके संपत्ति में जितना वैध संतान का हक होगा उतना ही अवैध संतान का भी हक होगा। पिताजी द्वारा कमाई हुई संपत्ति में अवैध संतान को कोई भी बेदखल नहीं कर सकता है, उसका भी पिताजी के संपत्ति में, पिताजी द्वारा कमाई हुई संपत्ति में हक है। पहली पत्नी का बेटा अगर दूसरे पत्नी के बेटे को संपत्ति देने से मना करे तो फिर यहाँ पर जो अवैध संतान है उसे बिना देरी किए हुए कोर्ट जाना चाहिए। और अगर वह कोर्ट जाएगा तो जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके हित में ही आएगा। जितना पहले पत्नी के बेटे का संतान का संपत्ति पर हक होगा, उतना ही दूसरे पत्नी के बेटे के भी संपत्ति पर हक होगा। अगर पहली पत्नी का बेटा दूसरे पत्नी के बेटे को संपत्ति देने से मना कर दे तो जो दूसरे पत्नी का बेटा है वह बिना देरी किए हुए कोर्ट जाए, और फिर अगर वह कोर्ट जाता है तो फिर कोर्ट से फैसला उसके हित में ही आएगा। क्योंकि कानून के मुताबिक अवैध संतान का भी पिताजी के प्रॉपर्टी पर वैध संतान के उतना ही हक है, चाहे वे उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर खुद से अर्जित किया हुआ संपत्ति हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है और लोगों के काम भी आ सकती है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।